बिग बॉस सीजन 14 के घर घमासान बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ राहुल वैद्य और रुबीना दिले के बीच की जो घमासान है वो अब 36 के आंकड़े में रूपांतर हो गई है बॉस, क्योंकि हमारी जो रुबीना दिले है वो एक नहीं सुन के ले रही राहुल वैद्य की, जो ऑपोजिट टीम में है, जो येलो टीम में है। और अब रुबीना दिले ने पर्सनल कमेंट जब उनके रिलेशनशिप पर हुआ है तब जा करके राहुल वैद्य को दे दिया है धक्का। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि बिग बॉस सीजन 14 का घर ऐसा लग रहा है जैसे जंग मैदान हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई लड़ते झगड़ते तो दिख ही रहा है। अब ये जंग मैदान इसलिए हो गया है क्योंकि दोनों तरफ, एक तरफ येलो टीम है तो एक तरफ रेड टीम है, जहां पर येलो टीम ने रेड टीम का एक्सेस ही बंद कर दिया है टॉयलेट्स का, तो वहीं पर येलो टीम का जो खाना है वो चोरी कर लिया है रेड टीम ने। तो इस प्रकार से घमासान तो बढ़ रही है, पर राहुल वैद्य जो है जो येलो टीम में है उन्होंने पर्सनल कमेंट कर दिया है रुबीना दिलेक और अभिनव शुक्ला के रिश्ते पर। और हम सभी जानते हैं कि रुबीना एक भी नहीं सुन के लेती जब बात आ जाती है उनके और अभिनव के रिश्ते पर, और इस बार ये गलती कर दी है राहुल वैद्य ने। और जैसे ही राहुल वैद्य ने ये बात बोली है, रुबीना दिलेक ने दे दिया है राहुल वैद्य को धक्का और कहा है मेरे पर्सनल रिलेशनशिप पे, पर्सनल रिश्ते पर आप कमेंट नहीं कर सकते हो। उसके बाद अभिनव शुक्ला एज यूजुअल कूद पड़ते हैं इनके झगड़ों में, और वहीं पर एली गोनी भी कूद पड़ते हैं राहुल वैद्य के तरफ से थोड़ी सी तरफदारी करने के लिए अपने दोस्त की, और अभिनव शुक्ला से कहते हैं यार आप लोग धक्का बुक्की करके बातचीत ना करें। तो वहीं पर अभिनव शुक्ला कहते हैं वो अगर इतना पास में आकर के बातचीत करेगा तो हमें तो उसको ढकेलना पड़ेगा ही। तो इस प्रकार से अब इतनी घमासान बढ़ रही है कि ये जंग मैदान ऐसे लग रहा है कि आग बबूले तो हो ही गए हैं सब, पर जंग मैदान में ही आग लग गई है। आपको क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि रेड टीम जीतेगी या येलो टीम जीतेगी, बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज।